सो यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक पासवान और आप देख रहे हैं एपी नॉलेज। सो यार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि हमने संडे के एपिसोड में हमने देखा कि इंडियन आइडल सीजन 13 में एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है ऋषि सिंह। उन्होंने काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो भी इतने बड़े नेशनल टेलीविजन पर, और नेशनल टेलीविजन पर ये बात बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और जो आया है अयोध्या की मिट्टी से, कौन रोक सकता है उसे बनने से द नेक्स्ट बिग थिंग, ऋषि सिंह। सर, आज पहली बार ऋषि के मम्मी पापा हैं, मैं उनसे जरा दो मिनट बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नमस्ते मम्मी जी पापा जी। नमस्ते सर। ऋषि, कितना प्राउड फील होता है अपने मम्मी पापा को आज यहाँ इंडियन आइडल के सेट पर देखकर? सर, बहुत प्राउड फील होता है। हमेशा से पापा की और मम्मी की इच्छा थी कि वो जैसे जो टीवी पे देखते थे और वो सामने भी देखना चाहते थे, क्योंकि मैं गाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं घर गया था तो मुझे बात पता चली थी कि मैं अपने माँ बाप का खून नहीं हूँ। कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है और इतना सोच के, मतलब कभी ये लगता था कि जिंदगी में अगर जितनी भी गलती मैंने की है तो उसका माफी मांगना चाहता हूं मैं उनसे, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इतने बड़े टेलीविजन चैनल पर ये ऐसी बात बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये बात उनके करियर पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि यार दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर ये वर्ल्ड में कहीं भी जाते गाना गाने के लिए, कहीं भी ये फेमस होते हैं, तो ये बात वहाँ पर रहेगी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें लगता है कि जो रियलिटी शोज हैं ये एक फेक शो हैं, और ऐसा हमें दिखता भी काफ़ी बार। तो यार ये, अगर ये सब चीज़ें इंस्टेंट से फेक चीज़ें कराई जा रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है दोस्तों। किसी पेरेंट के बारे में ऐसा बोलना कि वो जो चाइल्ड है वो उनका बेटा नहीं है, मतलब उनका खून नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑड बात लगती है सुनने में दोस्तों। दोस्तों, मेरे को तो विश्वास अभी भी नहीं होता कि जो ऋषि सिंह है वो अपने पेरेंट्स का खून नहीं। दोस्तों, कुछ बात तो होगी जो इन्होंने इतने बड़े नेशनल टीवी पर ये बात बोली। अब इसमें सच्चाई क्या है दोस्तों, ये तो मैं भी नहीं जानता, पर हम इस पर रिसर्च करेंगे, अब देखेंगे दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ बात अगर झूठ निकली तो हम ये टॉलरेट करने वाली बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपका क्या राय है दोस्तों इस चीज़ पर, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए इंडियन आइडल पर या फिर रियलिटी शोज़ पर, तो आप ये भी प्लीज़ कमेंट में बताना। रियलिटी शोज़ पर और ऐसी वीडियोज़ लाऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।